दोस्तों नमस्कार। आज हम मोती सूरजमुखी फूल थालपोश बनाना बताएंगे। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा हमारा बन करके तैयार हुआ है। इसमें हमारा पूरा ये मोती 140 मोती लगा है और ये ब्लू कलर का हमारा 25 ग्राम और ये 10 ग्राम येलो में। ये 4-ply का ऊन से बना है और इसमें 9 नंबर की क्रोशिया और मोती लगाने के लिए 6 नंबर की क्रोशिया यूज किए हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा ये थालपुष तैयार हुआ है हमारा और इसमें झोल भी नहीं आया है। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए हम गाँठे ले चुके हैं, उसके बाद हम चैन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेकर फर्स्ट वाले चैन में हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरह। 1 2 3 फिर 3 चैन लिए, 1 डबल क्रोशिया के बराबर। उसके बाद इसमें हम डबल क्रोशिया पूरे राउंड में इसमें भरेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों ये पूरा राउंड हम कर लिए हैं और इसे अब फर्स्ट वाले ये चैन जो हम बनाए हैं उसी में हम ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। अब उसके बाद हमें मोती लगाना है। तो ये राउंड में हमारा पूरा 16 डबल क्रोशिया बना है, 16 डबल क्रोशिया बना है। तो अब इसमें हम मोती लगाएंगे, तो मोती में भी हमारा 16 मोती लगेगा। देखिए यहाँ इस तरह से हम मोती लगाएंगे ऐसे, उसके बाद क्रोशिया को निकालेंगे और फिर ये इस तरह हम मोती लगाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे। फिर अगली वाली चैन में देखिए हमें डबल यहाँ फंदा नहीं लेना है, यहाँ बिना फंदा के ही हमें अगली वाली चैन में फिर हम इस तरह बांध लेंगे और फिर यहाँ पर एक मोती लगाएंगे। इस तरह हम ये राउंड पूरा करेंगे। हर चैन में हमें चैन ये छोड़ना नहीं है और यहाँ ऊपर में हमें 4 चैन ही लेने हैं। 1 2 3 4 हो गया हमारा। फिर अगली वाली चैन में हम यहाँ पर फिर ऐसे बांध लेंगे और फिर हम एक मोती लगा लेंगे। ऐसे ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे। इस तरह से हमारा मोती लगेगा। देखिए दोस्तों ये हम मोती लगा चुके हैं और एक राउंड हम ये डबल क्रोशिया का भी बना रहे हैं। तो एक बार हम आपको बता दें, देखिए मोती हम ऐसे हर चैन में एक एक मोती लगाए हैं और यहाँ 4 चैन लिए हैं और इस तरह से हम बुनते हुए फिर अब इस 4 चैन के बीच में हमें देखिए ये हम 3-3 डबल क्रोशिया ऐसे बीच बीच में बनाए हैं। बीच में हमें चैन नहीं लेना है, कहीं भी हमें चैन नहीं लेना है, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया इन सभी में हमें बनानी है ऐसे। देखिए ये लाइन पूरा होने के बाद हम यहाँ फर्स्ट वाले चैन में ज्वाइंट कर देंगे ऐसे और फिर उसके बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे। यहाँ हमें ट्रिपल फंदा लेना है, 2 बार क्रोशिए पर हम लेंगे, उसके बाद से ऐसे। अब इस एक फंदे को फिर इसी पर रखेंगे, फिर 2 बार लिए, फिर 2 बार घटाएं और एक को इसी पर रहने देंगे। ऐसे ही हम 4 बार करेंगे ऐसे।
अब इन सभी को एक ही बार में ऐसे घटा देंगे हम। देखिए ये हमारा चार हो गया, इधर का चैन ले करके हम चार ये हो गया। अब उसके बाद से एक दो तीन चार, चार पाँच छः, छः चैन लेके फिर हम डबल फंदा लेंगे। और फिर यहाँ चैन हमें कोई छोड़ना नहीं है, हर चैन में हमें यहाँ ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से, एक को फंदे को हम क्रोशिए पर ही रखेंगे और ऐसे ये राउंड भी हम ऐसे ही पूरा करेंगे। देखिए और फिर इसे हम ऐसे घटा देंगे, फिर यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन लेंगे, फिर ट्रिपल फंदा, फिर एक दो, ऐसे ही चलिए पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये हम राउंड पूरा कर लिए हैं, कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बैठा है। आपका अगर कम बेस हो जाता होगा, जैसे हमारा यहाँ पर पाँच हो गया, तो हम यहाँ पर पाँच चैन बच गया था, तो पाँच को एक ही में हम बना दिए हैं, तो आप भी वैसे ही मैनेज कर लीजिएगा घटा बढ़ा के अपना। अब इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे ज्वाइंट करने के बाद इस धागे को हम कट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम ये येलो कलर लगाएंगे, ऐसे इसमें अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा राउंड पूरा हो गया है। इन सभी चैन में हम आठ आठ डबल क्रोशिया बनाए हैं, सभी में आठ, छः चैन लिए हैं और दो बढ़ाए हैं इसमें, तो आठ डबल क्रोशिया इन सभी में बनाए हैं। तो ये राउंड हम ऐसे ही पूरा किए। अब यहाँ पर फिर शुरुआत के जैसा यहाँ करना है, तो यहाँ पर हम अब मोती लगाएंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ मोती लगाएंगे, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर हम चैन बढ़ाएंगे, यहाँ हम अब यहाँ जो नीचे हम मोती लगाए हैं, तो हर चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया बिने हैं और मोती लगाए हैं, तो यहाँ पर हमें एक चैन छोड़ के दूसरे वाले में ऐसे बनाना है। तो यहाँ पर हम पांच चैन ले रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन ले करके अब उसके बाद इस चैन को छोड़ के इस चैन में हम यहाँ पर बांधेंगे ऐसे, और फिर एक मोती लगाएंगे। फिर उसके बाद एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन फिर लेंगे और फिर एक चैन को छोड़ के दूसरे चैन में यहाँ बांध लेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों यहाँ हम अब पांच चैन ले रहे हैं और यहाँ एक एक मोती लगा रहे हैं, तो ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों ये राउंड हमारा पूरा हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में देखिए तीन चैन लिए हैं और यहाँ फर्स्ट वाले ये मोती जो लगाए हैं उसी के ऊपर हम यहाँ पर यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे, और फिर सिंगल क्रोशिया से बांध लिए। उसके बाद एक दो तीन, तीन चैन लेकर इसमें हम अब डबल क्रोशिया, सेम नीचे जैसे बनाए हैं वैसे ही हमें दोहराना है। देखिए यहाँ पर हम मोती लगाए हैं तो इसके ऊपर हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं, वैसे ही इसके ऊपर भी हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। उसके बाद फिर ऐसे ही पत्ती बनेगा, तो चलिए ये हम बना करके आपको दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, इन सभी में हम तीन तीन डबल क्रोशिया इस तरह बनाए हैं। बीच में हमें चैन नहीं लेना है, सेम जैसे इसमें बनाए हैं वैसे ही इसके भी ऊपर हम बनाए हैं, तो ऐसे ही आपको बनाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम फिर अब चैन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे डबल फंदा। अब यहाँ चैन में हम दो को घटाएं और एक फंदे को इसी पर रखेंगे, फिर एक दो बार घटाएंगे, एक को इसी पर रखेंगे, तो हम नीचे वाले में चार बार ये लिए हैं, इसमें हम पांच लेंगे। देखिए एक दो तीन चार पांच, तो पांच हम चैन में डाल करके उसके बाद इन सभी को पांच को बना करके हम घटा रहे हैं, फिर एक दो तीन चार पांच, फिर पांच चैन, फिर डबल फंदा, फिर अगली वाली चैन में दो घटाएंगे, एक इसी पर रखेंगे फंदे को, फिर दो घटाएंगे, एक को रखेंगे और पांच बार हम निकालेंगे। देखिए चार हुआ, ये हमारा पांच हो गया, ये पांच हमारा हो गया, तो पांचों को हम एक बार में घटाएंगे और इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा, एक दो तीन चार पाँच, फिर पांच चैन। आपका अगर सिकुड़न होता है तो पांच या छह चैन भी ले सकती हैं। यहाँ एक दो तीन चार पांच, यहाँ तक हम बनाएंगे। तो चलिए हम ऐसे ही पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से ये डिजाइन हमारा लगेगा। देखिए दोस्तों, ये राउंड हम पूरा कर लिए हैं। यहाँ से देखिए, हम सभी में छः छः डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, फिर छः, फिर छः, ऐसे ही पूरा हम राउंड कर लेंगे। आपका अगर सिकुड़न या ज़्यादा झोल आता है तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें चैन ये डबल क्रोशिया ले सकती हैं। बस ये देखना है कि झोल ना आए, और सिकुड़न होगा तो आपका फूल भी ये सिकुड़ जाएगा, थालपोस सही नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि ये चैन भी उसी हिसाब से लेना है जितना ये डबल क्रोशिया बना रही हैं, उससे एक अधिक लेना है। तो चलिए अब हम थालपोस पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा थालपोस तैयार हो गया है। इसे हम पूजा के थाल ढकने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, तो हम यहीं पर अब ये ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि देखिए, जो हम ये मोती लगाए हैं तो इसके ऊपर हमने यहाँ तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया है, लेकिन इस ब्लू वाले लाइन में हम तीन तीन डबल क्रोशिया नहीं बनाए हैं, क्योंकि झोल हमारा आ रहा था, तो इसीलिए हमने इसमें दो डबल क्रोशिया, देखिए कहीं कहीं हम दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, जैसे यहाँ एक दो, फिर एक दो, फिर एक दो तीन, फिर तीन, ऐसे ही इसमें हम देख सकते हैं आप, यहाँ भी एक दो तीन, यहाँ पर एक तीन बनाया है, यहाँ दो बनाया है, फिर यहाँ तीन बनाया है, फिर यहाँ दो बनाया है, यहाँ भी दो बनाया है, ऐसे ही हम इसमें बनाए हैं। तो आप भी अपने हिसाब से आप दो 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 चैन में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे में तीन डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके आप बना लीजिएगा, तो आपका थालपोस झोल नहीं आएगा। और आप इससे बड़ा बनाएंगी तो जितना भी बड़ा बना सकती हैं बनाइए, और ये यहीं पर हमारा थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ भी आप चाहेंगी तो यहाँ चैन जो है, यहाँ एक चैन छोड़ के दूसरे में हम बांधे हैं, तो आप दो चैन छोड़ के तीसरे में आप बांध सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो अब यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर हम कैसे बनाए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ हम छः चैन ले रहे हैं डिजाइन बनाने के बाद, ये पत्ती बनाने के बाद हम, और फिर इसे एक सवा इंच के बराबर में हम धागा इसको खींच लेते हैं ऐसे, और फिर ये जो चैन है फर्स्ट वाली चैन में हम ऐसे धागे को हम चार बार लेंगे, दो तीन चार हो गया हमारा। अब इसे हम ऐसे बांध लेंगे, ऐसे बांधने के बाद इसे हम ऐसे मोड़ लेंगे और जहाँ से हम ये डिजाइन ये पफ बना रहे हैं वहीं पर फिर ऐसे बांध लेंगे गोला करके, फिर चैन लेंगे, दो तीन चार पाँच, पाँच चैन लेंगे और फिर यहाँ हम डबल फंदा लेंगे और यहाँ तक हम डिजाइन बनाए। अब इसके अगले वाले चैन में हम फिर पत्ती वाला डिजाइन बना लेंगे, एक को इसी पर रखेंगे फंदे को, ऐसे ही हम ये सारा बनाते जाएंगे। तो आपको ये थाल पुष कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इन सभी को हम एक ही बार में ऐसे घटा लेंगे और फिर वैसे ही झालर लटकन इसमें बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, पहले छः चैन लेंगे उसके बाद से धागे को हम सवा इंच की लंबाई में खींच लेंगे और उसी के बराबर चार बार धागे को निकालेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच। अब हम यहाँ पर फर्स्ट वाला जो डिजाइन हम शुरू किए हैं वहीं हम ज्वाइंट कर लेते हैं इसके ऐसे, और इस धागे को हम कट कर देंगे। इसे हम पीछे की तरफ निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल डिजाइन है ये। देखिए कुछ इस तरह से हमारा थाल पुष तैयार हुआ है। इसे आप तीन या चार रंगों में भी बना सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।